गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन अनन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े ट्रांसफॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम जानने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके जस्ट पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था, इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस, ठीक। यानी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलते थे। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसे कि आप लोगों को पता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन तरह से बनते हैं, ठीक। नाउन क्लास के जरिए और एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास के लिए। तो पहले हम समझेंगे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलना नाउन क्लास के द्वारा। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग नाउन क्लास, ठीक। नाउन क्लास के प्रयोग द्वारा, नाउन क्लास का प्रयोग करके हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दिन करते हुए शुरू करेंगे इसकी शानदार शानदार क्लास। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, तो तुरंत लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आइए शुरू करते हैं ये क्लास, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रूल नंबर फर्स्ट है इसका, यदि सिंपल सेंटेंस में नो या हियर के बाद नाउन का प्रयोग है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में सब्जेक्ट के बाद नो या हियर का प्रयोग कर हॉट का प्रयोग करके नाउन क्लास बनाते हैं। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है सिंपल सेंटेंस का, ही नोज माई लिविंग प्लेस, वह मेरे रहने के स्थान को जानता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें आप लोग जानते हैं हम एंटेसिडेंट का प्रयोग किया करते थे क्लास में, ठीक। और जब किसी प्लेस, ठीक, प्लेस हमारा एंटेसिडेंट जब आता था, तब हम वेयर का प्रयोग करते थे। तो यहां पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे, तो ही नोज, वह जानता है माई लिविंग प्लेस, मेरे रहने के स्थान को जानता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ही नोज, ठीक। अब हम करेंगे व्हाट का प्रयोग, लेकिन व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए हमारा जो एंटेसिडेंट है वो प्लेस है, तो ही नोज। अब हम यहां पर प्लेस को हटाएंगे, व्हेयर लिखेंगे हम, ठीक, व्हेयर। अब देखिए माय लिविंग प्लेस, तो ही नोज व्हेयर आई लिव, ठीक, वह जानता है जहां मैं रहता हूं, ठीक। बट फ्रेंड्स, अवर सेकंड सेंटेंस यहां पर देखिए, यू हैव हर्ड माय प्लान, यू हैव हर्ड, तुमने सुना है माई प्लान, मेरी प्लान को, ठीक। अब देखिए यहां पर किसे सुना है, मेरे प्लान को, यानी जो प्लान उसने कहा है उसे सुना है। तब यहां पर देखिए, अब जैसे यहां पर हमने वेयर का उपयोग किया, यहां पर हम हॉट का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यू हैव हर्ड, यू हैव हर्ड, यानी तुमने सुना है, ठीक, हॉट माई प्लान, What my plan is, ठीक। You have heard, तुमने सुना है, what my plan is, जो मेरा प्लान है उसे तुमने सुना है, ठीक है। तो ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट, आइए समझते हैं अपने रूल नंबर सेकंड को। जब डिफरेंस रूल नंबर सेकंड, यहाँ पर देखते हैं, यदि सिंपल सेंटेंस में बिलीव, कन्फेस या एडमिट या नो का प्रयोग है, ठीक है, और यदि उसके बाद कोई इन्फिनिटिव है, देखिए यहाँ पर एडमिट बिलीव का प्रयोग है और इसके जस्ट बाद इन्फिनिटिव है, ठीक है, इन्फिनिटिव है, तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, कन्फेस एडमिट या नो को रखकर दैट लगाकर सब्जेक्ट के बाद, ठीक, वर्ब रखनी चाहिए। आइए करते हैं यहां पर इसे ट्रांसफॉर्म, देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ही एडमिट्स टू बी गिल्टी, ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है टू बी गिल्टी, ठीक, वह दोषी होना स्वीकार करता है। यहां पर देखिए एडमिट्स के बाद आपका इन्फिनिटिव आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर ही एडमिट्स, ठीक है, ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। अब दैट, क्योंकि हम नाउन क्लास के प्रयोग के द्वारा बनाएंगे ना, अब यहां से जो दैट है, इधर हमारा अब नाउन क्लास बनेगा पूरा, तो ही एडमिट्स दैट, अब दैट लिखा, यानी सेंटेंस को हमने यहां पर जोड़ने का काम किया है। तो जब जोड़ेंगे तो इस पार भी हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी ही एडमिट्स दैट ही, अब इज लगा देंगे अपनी तरफ से, यहां पर लिखेंगे गिल्टी, ठीक, यानी ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है कि ही इज गिल्टी, ठीक है। अब ये जो दैट के इधर वाला पोर्शन है, ये आपका पूरा नाउन क्लास है बाबू, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए यहां पर, आई बिलीव हिम, मैं भरोसा करता हूं या मैं मानता हूं टू अ स्टूपिड, ठीक, मैं उसे बेवकूफ मानता हूं, स्टूपिड माने बेवकूफ ही होता है, तो आई बिलीव हिम टू अ स्टूपिड, मैं उसे बेवकूफ मानता हूं, यानी आई बिलीव, मैं भरोसा करता हूं या मैं मानता हूं दैट कि
किसे मानता हूँ भैया, उसे, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा। तो आई बिलीव दैट ही अब है इज अ स्टूपिड, यहाँ पर हमने टू को हटा दिया, ठीक है, हिम को यहाँ पर लाकर सब्जेक्ट बना दिया। देखिए आई बिलीव यानी मैं मानता हूँ या मैं भरोसा करता हूँ दैट की ही इज अ स्टूपिड, वह एक बेवकूफ है। तो डिफरेंस ये था आपका रोल सेकंड। इसी प्रकार एडमिट्स यहाँ पर जैसे आया है, यहाँ पर आपका कन्फ्यूज भी आ सकता है, तो आप सेम तरीके से इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहीं पर अगर नो आ जाता है तो आई नो दैट हो जाएगा हमारा, आई कन्फ्यूज दैट हो जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं रोल थर्ड को। डिफरेंस रोल थर्ड, यहाँ पर देखिए सिंपल वाक्य को यानी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित करने के लिए हु, होम, हुज, व्हिच, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी या हाउ मच, ठीक, का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किया जाता है। और यदि सिंपल वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब वाक्य से शुरू हो रहा है, अब क्या इसे भी हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए यदि सिंपल वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो भी उसे हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है। आइए करते हैं सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर देखिए हमारा सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, अपन लोग इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे नाउन क्लास की सहायता से। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आस्क हिम अबाउट हिज रेजिडेंस। रेजिडेंस मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स आवास। आस्क हिम उससे पूछो अबाउट हिज रेजिडेंस, उसके आवास के बारे में उससे पूछो। तो यहाँ पर प्लेस की बात हुई है यानी हम प्रयोग करेंगे वेयर का, यानी आस्क हिम वेयर, ठीक, हिज रेजिडेंस सब्जेक्ट हो गया, वेयर हिज रेजिडेंस इज, ठीक। तो आस्क हिम उससे पूछो वेयर यानी कि कहाँ उसका निवास यानी उसका आवास है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल टेल मी द टाइम ऑफ हिज कमिंग, उसके आने के समय को मुझे बताओ। तो टाइम की बात है यानी यहाँ पर वेयर कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो टेल मी, ठीक, द टेल मी, अब हम लिखेंगे व्हेन, ठीक, अब हिज कमिंग यानी टेल मी व्हेन ही कम्स, यहां पर ये हमारा सेंटेंस जो है व्हेन का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। तो टेल मी मुझे बताओ व्हेन ही कम्स कि कब वह आता है। अब देखिए हमारा थर्ड सेंटेंस जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, ठीक है, तो वाज हिज डेथ बिलीव्ड बाय ऑल, Was his death, क्या उसकी मृत्यु का सभी को भरोसा था। अब यहां पर देखिए was लिखा, अब सब्जेक्ट अपनी तरफ से it लिखेंगे, तो was it believed by all, तो was it believed by all, अब यहां पर लिखेंगे that कि, ठीक, his death यहां पर जो है, देखिए यहां पर his death, अब यहां पर हम सब्जेक्ट मानेंगे, तो ये जो हमारा death noun है, ठीक है, ये हमारा वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा यानी हैड डेड, ठीक है, लास्ट में लगा देंगे इंट्रोगेशन मार्क। अब इसकी मीनिंग को समझते हैं, वाज इट बिलीव्ड बाय ऑल, क्या सभी के द्वारा यह भरोसा था कि ही हैड डेड, वह मर गया था, क्या सभी को यह भरोसा था कि वह मर गया था। तो डिफरेंस ये था आपका रूल थर्ड जिसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। डिफरेंस अभी हम लोगों ने जाना फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेनिंग नाउन क्लास। नाउन क्लास का प्रयोग करके हमने सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलना सीखा। अब आइए इसी क्लास में समझते हैं इसके दूसरे पार्ट को जिसमें हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में बदलना नाउन क्लास की सहायता से, जो इन्हीं रूलों का ठीक उल्टा होगा, ठीक है। तो आइए उसे समझते हैं इसी क्लास में। डिफरेंट जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए From complex to simple, अभी हम लोगों ने क्या सीखा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाएंगे नाउन क्लास की सहायता से। देखिए रूल नंबर फर्स्ट है, जो रूल अभी हमने पढ़े ठीक उसी का उल्टा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दैट से आरंभ होने वाला नाउन क्लास है, देखिए दैट से आरंभ होने वाला नाउन क्लास, अब ये जो दैट से आरंभ हो रहा है यहाँ तक पूरा हमारा नाउन क्लास है, ठीक है, दैट से आरंभ होने वाला नाउन क्लास है, तो उसके स्थान पर यानी इस नाउन क्लास के स्थान पर, ठीक है, सही अर्थ देने वाला नाउन रख दिया जाता है। तो नाउन क्लास के स्थान पर केवल नाउन का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर समझते हैं हम लोग, देखिए ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वाज सक्सेसफुल, वह सफल था इन हिज अटेम्प्ट, उसने कहा कि वह अपने अटेम्प्ट में यानी अपने प्रयासों में सफल था, ठीक है। तो ही डिक्लेयर्ड यानी उसने बताया, हिज सक्सेस, यहां पर ही वाज को हटा देंगे, हिज सक्सेस, ठीक,
इन हिज अटेम्प्ट। अब देख, अब यहां पर देखिए ही डिक्लेयर, उसने बताया हिज सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, उसने बताया अपनी सफलता को, ठीक, अपने प्रयासों में, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए सेकंड सेंटेंस, ही प्रॉमिस्ड दैट, उसने वादा किया कि ही वुड हेल्प मी, कि वह मेरी मदद करेगा। तो यहां से दैट ही को हटाएंगे, वुड को भी हटाएंगे, ठीक है। देखिए यहां पर ही प्रॉमिस्ड, ठीक, ये प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, ठीक। अब देखिए यहां पर हिज हेल्प फॉर मी, इस प्रकार बना देंगे हम, यानी नाउन क्लास को हटा देंगे भैया और इसे सिंपल बना रहे हैं ना। तो ही प्रॉमिस्ड यानी उसने वादा किया हिज हेल्प, उसकी मदद का, फॉर मी, मेरे लिए। तो उसने अपनी मदद का मेरे लिए वादा किया, हाँ भाई जाओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस नाउन क्लास को यहाँ पर नष्ट कर देते हैं फिलहाल, ठीक है, और सिंपल बनाते हैं, क्योंकि नाउन क्लास बन जाएगा तब तो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स पहले में से है, तो इसे हमें सिंपल बनाना है, तो नाउन क्लास को हटा देंगे, हमारा सिंपल हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस था रूल नंबर फर्स्ट, आइए समझते रूल नंबर सेकंड को। भैया रूल नंबर सेकंड, यहाँ पर देखिए दैट से प्रारंभ होने वाले, ठीक, नाउन क्लास में यदि उद्देश्य प्रकट होता है, उद्देश्य मतलब कोई इच्छा, ठीक, उद्देश्य प्रकट होता है, तो नाउन क्लास को इन्फिनिटिव वाले फ्रेज में भी बदल देते हैं। इन्फिनिटिव वाला फ्रेज मतलब एक फ्रेज की शुरुआत इन्फिनिटिव से, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वही इन्फिनिटिव फ्रेज होता है हमारा। देखते हैं यहाँ पर दैट से, देखिए नाउन क्लास की शुरुआत हुई है, ये दैट से यहाँ जो पूरा शुरू हो रहा है पूरा आपका नाउन क्लास है दैट से, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए उद्देश्य प्रकट हो रहा है, क्या उद्देश्य है, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया कि ही वुड विजिट आगरा, तो उसका उद्देश्य क्या है, आगरा घूमने का उद्देश्य है। इसमें क्या है, शी सेड दैट, उसने कहा कि शी वुड गिव मी अ बुक, तो यहाँ पर किताब देने का उद्देश्य है कि वह मुझे एक किताब देगी। अब यहाँ पर समझते हैं हम क्या करेंगे, ही डिसाइडेड, अब दैट ही वुड, पूरे पर्सन को हटाने के, और ये देखिए विजिट आगरा, ये क्या है, विजिट हमारी वर्ब है, और वर्ब से पहले टू लग जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटिव, और बीच में ये शब्द भी जुड़ता है तो हमारा क्या हो गया इन्फिनिटिव फ्रेज, यानी ही डिसाइडेड टू विजिट आगरा, क्लियर, ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, उसने निर्णय किया आगरा घूमने का। सेकेंड सेंटेंस, शी सेड, उसने कहा That she would give me a book, कि वह मुझे एक किताब देगी, तो यहाँ पर उद्देश्य की किताब देना, तो she said, अब that she would, इतने को हटा देंगे, ये verb को पकड़िए और verb से पहले to लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा infinitive, यानी she said to, अब पूरा छाप दीजिए इसे, give me a book, alright, कोई confusion? She said, उसने कहा to give me a book, मुझे एक किताब देने के लिए, उसने कहा कि वह मुझे एक किताब देगी, बात तो एक ही है, क्लियर, आइए समझते हैं रूल थर्ड को। डिफरेंस रूल थर्ड, यहाँ पर समझते हैं व्हेयर मतलब कहाँ, व्हेयर मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, यानी व्हेयर व्हेन व्हाई हाउ से आरंभ होने वाले नाउन क्लास को प्लेस, यानी अगर व्हेयर से आरंभ हो रहा है तो उसके लिए प्लेस, व्हेन के लिए टाइम, व्हाई के लिए रीजन और हाउ के लिए मेथड आदि नाउन में बदल दिया जाता है। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आई नो व्हेन He departed. I know, मैं जानता हूँ when he departed, जब वह गया है, कि कब वह गया है, यहाँ पर देखिए तो हम ऐसे लिखेंगे I know, यानी मैं जानता हूँ, ठीक है। अब देखिए departed, इसे हम noun बनाएंगे, तो I know of his departure, तो I know यानी मैं जानता हूँ of his departure, यानी उसके प्रस्थान का समय, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस all know, यानी सभी जानते हैं where he lives, जहां वह रहता है, तो where के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, place का, तो all know, ठीक है, all know यानी सभी जानते हैं, अब he lives यानी वह रहता है, यानी his living place, यानी जहां वह रहता है, यानी उसके रहने के स्थान को, तो all know his living place, ठीक है। इस प्रकार से हम इस नाउन क्लास को हटा देंगे और यहाँ से हम इसे नाउन बना देंगे, तो आल नो यानी सभी जानते हैं हिज लिविंग प्लेस, तो लिविंग प्लेस क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। डिपार्चर क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, क्लियर फ्रेंड्स। इसी प्रकार अगर व्हेन, इसी प्रकार अगर व्हाई लगा रहे या हाउ लगा रहे तो उसके लिए हम रीजन या मेथड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस ये था आज की क्लास का लास्ट रूल, जिसमें हम लोगों ने जाना फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंस कंटेनिंग नाउन क्लास, यानी
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना नाउन क्लास की सहायता से, और इसके पहले अभी हमने देखा था कि हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदल लेते नाउन क्लास की सहायता से। यानी पहले इसे देखा सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलना, फिर हमने देखा कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलना। ठीक, पहले रूल का सही प्रयोग किया, फिर रूल का उल्टा प्रयोग किया। क्लियर? अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आज की क्लास से रिलेटेड। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम देखेंगे फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ही बदलना, लेकिन यहाँ पर नाउन क्लास की सहायता से बदल रहे थे। अगली बार हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लास की सहायता से सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलना। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मिलेंगे कल की क्लास में 8 बजे, तैयार है बहुत अच्छे से। अगर कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन तो भी लिखें, और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया, ताकि आप भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में यहाँ से तैयार करके 95% मार्क पा सकें। ठीक है, और अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो तुरंत अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। ठीक है, सभी को बताइए, और आपकी क्लास लिटरेचर की स्टार्ट होने वाली है, बस जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो बस तुरंत आपकी लिटरेचर की क्लास। ठीक है, और बढ़िया से अपनी क्लासेस को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार टेस्ट होने वाला है आपका, बहुत अच्छे से हो सकता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी हो, साथ ही साथ सेंटेंसेस का भी हो और ट्रांसफॉर्मेशन का भी हो। तो सभी क्लासेस को बढ़िया से रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलेंगे कल 8 बजे एक नए वीडियो का। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, कीप इंप्रूविंग योर सब्जेक्ट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।